न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स फॉर बुक सेवेंथ एडिशन पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 24 एट 4 PM रुई फेंग कैरोल एंड इथेन आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ 2.4 किलोमीटर सर्कुलर पाथ. वो सर्कुलर फॉर्म में घूम रहे हैं और एक तरह से समझ लें कि ये चौरंगी है जिसको हम उर्दू में कहते हैं 2.4 किलोमीटर. अब ये बता रहे हैं रुई फेंग टेक्स 126 सेकेंड्स, उन्होंने इतना लिया. कैरोल टेक्स 154 सेकेंड्स एंड इथेन टेक्स 198 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट वन राउंड, एक राउंड लेने का अराउंड द पाथ उस रास्ते पर. व्हेन विल दे नेक्स्ट मीट अगेन, अब वो नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 24, अब इसमें हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम बताएंगे कि टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है. द टाइम, कौन सा टाइम. व्हेन दे नेक्स्ट दे, यहाँ चाहें तो हम नाम भी लिख दें, तीनों के नाम लिख दें. नेक्स्ट मीट अगेन टू फाइंड इज टू फाइंड द एलसीएम ऑफ, और जो इनकी इनके सेकंड्स थे उनको हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे. यानी कौन कौन से थे, 126, 154 एंड 198 सेकंड्स मेंशन करने हैं किसकी बात हो रही है. अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे. 126, नेक्स्ट इज 154 एंड द अदर वन इज 198. अब इसका हम लेंगे कॉमन फैक्टर. ये हम यहाँ पे फैक्टर बना रहे हैं. सबसे पहले क्या है 126, 126 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 154, और थर्ड वन आ जाएगा इसी के साथ ही, बल्कि यहाँ कर देते हैं स्पेस तो है 198. चलिए 126 पे आते हैं. 2 6 12, 2 3 6, अब ये 2 के टेबल से नहीं जा सकते. 3 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7, एक फैक्टर बन गया. अब इस पर आते हैं 2 7 14, 1 कैरी इधर, 2 7 14, 7 1 7, 7 1 7, अब किससे जाएगा 11 से जाएगा, 11 1 11. इसी तरह 2 9 18, 1 कैरी इधर, 2 9 18. नेक्स्ट इज 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 के टेबल से जा रहा है, 3 1 3, 3 1 3, 11 1 11. अब ये जो हमारे नंबर्स आए हुए हैं इसको हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, यानी जो फैक्टर्स बनाए हमने. अच्छा, अब यहाँ पे हमने फैक्टर्स बना लिए और ये चीज़ का ख्याल रखा हमने इस चीज़ का कि जैसे अब ये 2 था, ये तो एज इट इज़ आ रहा था, इट्स ओके. अब ये यहाँ पे 7 था, यहाँ पहले हमारे पास नंबर में 7 मौजूद था तो हमने उसी के नीचे लिख दिया. इसी तरह से जब हम 154 फाइंड आउट कर रहे तो 11 यहाँ आया, और जब 198 पे आए तो यहाँ पे 11. अब मैं यहाँ लिख के उसको यूँ करके टेढ़ा करके बनाऊँ, उससे बेहतर है कि मैं इस अंदाज़ से कर दूँ. आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने 11 लिखा और इसको यूँ करके ओवल शेप में मैच कर दिया, मैंने ऐसे किया, आपकी जैसी मर्जी है. अब हम आ जाते हैं LCM पर. LCM क्या होगा, सबसे पहले मेन चीज़ आपकी है 2, ये आ गया 2. नेक्स्ट ये भी डबल में पेयर बन रहा है ना, ये देखना पेयर बन गया, इधर भी पेयर बन गया, 3 एंड 3, इसमें आ जाएं, ये भी पेयर बन गया 7. इसके बाद आ जाएं 11, ये भी. अब हम इन सबको करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 2 3 6 6 3 2 3 6 कर लेते हैं, 3 7 21 11, 6 1 6, 6 2 12. 121 को 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 1 3 8
सिक्स आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये हमारा एलसीएम निकला। अब हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, 1386। अब इसको हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पे सेकंड्स बताएंगे, यानी 1386 सही है। यहाँ पे हमारे पास 1386 और बात किसकी हो रही है, सेकंड की, सेकंड की बात हो रही है। सेकंड कितने में होता है, 60 सेकंड। 60 के टेबल से इसको सॉल्व करेंगे, 62 ज़ार 120, रिमेनिंग नंबर इज 8 and 1 and 6। अब आ जाए 63 ज़ार 18, 63 ज़ार 18 and 0, यानी 63 ज़ार 180, रिमेनिंग नंबर इज 6। अब ये क्या आएगा, 23 minutes and 6 seconds। अब मैं यहाँ पे लाइन लिखती हूँ, टाइम व्हेन दे नेक्स्ट मीट, जो वो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, अगेन दोबारा, तो क्या टाइम पीरियड होगा, 4, इसको हम लिखेंगे 4 PM प्लस, क्योंकि वहाँ 4 PM मेंशन था ना हमारे पास क्वेश्चन में। अब यहाँ आ गया 23 मिनट्स और नीचे जो हमारे पास डिवाइड में बच रहा है 6, तो हम इसको क्या कहेंगे, 6 seconds, 6 seconds। अब हमारे पास क्या यहाँ पे टाइमिंग मेंशन हुई, 4:23 PM, ये हमारा एक्चुअल टाइम होगा और ये है हमारा आंसर।